निवेशकों और संपत्ति की जांच के लिए खातों का ऑडिट दुनिया के नामी मल्टीनेशनल ऑडिटर्स कंपनी और केपीएमजी से करवाई गई। रिजर्व बैंक के 3 अधिकारी ने सहार इंडिया फाइनेंशियल की 15 शाखाओं का ऑडिट किया। ऑडिट रिपोर्ट कहीं से लीक ना हो और ना ही कोई फायदा उठा पाए, इसके लिए रिजर्व बैंक का किसी कंपनी पर सबसे बड़ा शिकंजा कसा। रिजर्व बैंक से नियुक्ति किए डायरेक्टर ने सभी निवेशकों के फोटोग्राफ लिए, सभी शाखाओं का ऑडिट किया गया। मन मुताबिक किसी भी निवेशक को सामने बुलाया ताकि फेक निवेशक होने का पता लगाया जा सके, लेकिन रिजर्व बैंक को जांच के बाद कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई। सेबी मामले में भी सहारे की 2 कंपनियों SIRECL और SHICL का कहना है कि सेबी को कागजात हमने सौंपी है, उनसे जांच करें, अगर गलती पाई जाती है तब जो भी कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है वो करें। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निवेशकों के पैसे सेबी को लौटाने के आदेश का पालन करते हुए सहारा समूह की 2 कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्रस्ताव दिया था, पर कोर्ट ने उस प्रस्ताव को उपयुक्त नहीं माना और दूसरे संशोधित प्रस्ताव के साथ आने के लिए कहा। निवेशकों के पैसे लौटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की 2 कंपनियों को अपने आदेश में निवेशकों से OFCD स्कीम के तहत जमा किए गए पैसे सेबी के द्वारा निवेशकों को वापस करने के आदेश दिए थे और इस आदेश का पालन करने के लिए दोनों कंपनियां तत्पर हैं, पर रकम बड़ी है इसलिए कंपनियों ने अदालत से कुछ और वक्त देने की दरख्वास्त की है और एक प्रस्ताव भी माननीय न्यायालय के सामने पेश किया है। क्या है प्रस्ताव? 31 जुलाई 2015 तक पूरी रकम लौटाने का प्रस्ताव, 6 किस्तों में लौटाने का प्रस्ताव, 3 दिनों के अंदर 2500 करोड़ लौटाने का वादा, 31 जुलाई 2014 को दूसरी किस्त में 2000 करोड़, तीसरी किस्त में वापस करेंगे 2500 करोड़, जनवरी 2015 में जाएगी चौथी किस्त की रकम होगी 3000 करोड़, अप्रैल 2015 में पांचवी किस्त की रकम 3500 करोड़, बाकी बचे 3900 करोड़ की अदायगी 31 जुलाई 2015 तक। माननीय अदालत ने इस प्रस्ताव में संशोधन कर दूसरा प्रस्ताव लेकर आने को कहा है और दोनों कंपनियां दूसरा प्रस्ताव कोर्ट में पेश करने की तैयारियों में लगी हैं। कंपनियों का ये भी कहना है कि निवेशकों को अगर पैसे दोबारा भी लौटाने पड़े तो कंपनियां लौटाएंगी और अदालत के आदेश का हमेशा सम्मान करेंगी। रकम बड़ी है इसलिए कुछ और अवधि की जरूरत है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं और उन फैक्ट्स और फिगर्स को समझें जिसके जरिए परसेप्शन और सच्चाई के बीच का जो फासला है उसको कम से कम किया जा सके। केशव साहब से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। केशव साहब, इसको किसी भी सूरत में क्या वित्तीय धोखाधड़ी समझा जा सकता है? देखिए, ये पूरा मामला जो है ये इतना विवादित क्यों हो गया, इस पे आपको ध्यान देना होगा। ये कहीं से भी वित्तीय धांधलियों का मामला नहीं है, इसलिए वित्तीय धांधलियों का मामला वहां होता है जहां डिस्पर्स एसेट्स को या कहीं पे किसी मामले किसी पैसे को इधर से उधर किया जाता है या कुछ भी किया, उसको हम लोग वित्तीय अनियमितताओं का मामला मानते हैं। ये पूरा मामला है इन्वेस्टर्स के पेमेंट का। दो चीज जो जी इस केस के बारीकी में आप पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे, इसलिए कि इस केस का मुझे सौभाग्य है कि मैं 2010 से इस केस को देख रहा हूं। ये केस कैसे स्टार्ट हुआ उसमें आपको देखना पड़ेगा और सहारा समूह किस बिजनेस में है शुरू से और किस तरीके का उसका बिजनेस का मॉडल है, इन चीजों को समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहली बात यह है कि एक रोशनलाल नामक व्यक्ति ने अपने एक कंप्लेन सेबी को किया कि ऐसे ऐसी कंपनियां हैं सहारा की जो कि ऐसे ऐसे पैसे उठा रहे हैं और इस तरीके उस व्यक्ति के रोशनलाल के नाम पे ये पूरी कंप्लेन, उसके बेसिस पे ये पूरा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद सेबी ने इस मैटर को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को दे दिया कि दोनों कंपनियां अनलिस्टेड कंपनियां हैं, इसकी जांच आप करें। पर इसी बीच में, इसलिए कि उस समय सेबी के चेयरमैन मिस्टर सीबी भावे थे और वो पहले आरबीआई में भी थे, जिस समय आरबीआई का मामला हम लोग का चल रहा था उस समय भी वो उस मैटर को देख रहे, तो कहीं ना कहीं उनको एक जो आशंकाएं थी वो शुरू से उनके दिमाग में सहारा के प्रति एक जो निगेटिव माइंड होती है, सेटअप होती है, उस निगेटिव सेटअप से वो सारा काम चल रहा था। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने में भी ये चीज कहा कि रोशनलाल नामक व्यक्ति जो है उस जगह पे भी नहीं रहता है, न उस आदमी का
सहारा का वो इन्वेस्टर है, न सहारा से कहीं रिलेशन है। तो इस तरीके से एक फॉल्स कंप्लेन पे पूरी कहानी स्टार्ट हुई जी। और इस पूरे केस की इमारत जो है वो एक फॉल्स कंप्लेन पे है। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस केस में ये है कि सेबी से लेकर के आज तक जितने भी प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में अभी लास्ट 14 मार्च तक चली है उसमें सेबी ने आज तक किसी भी चीजों का खंडन एफिडेविट पे नहीं किया है, जिसके कारण ये मामला ऐसा बढ़ता गया कि सहारा की जो स्टोरी थी वही चलती रह गई और इसको इसका कुछ नहीं और इसको लोगों के बीच में परसेप्शन इस तरीके से मीडिया ने भी उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया। और दूसरी बात है कि आज के डेट में ये एक धारणा ही बन चुकी है कि कॉर्पोरेट को किस तरीके से नीचा दिखाओ। चलिए ये इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, विकास सिंह साहब के पास चलें। विकास सिंह साहब, अब समस्या ये कि अगर तब ओएफसीडीज के तहत ये जो फंड कलेक्शन हुआ था, ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के प्रावधान के तहत हुआ था और उस समय यही विधान भी था, तो बाद में यही बात नाजायज कैसे हो गई? नहीं देखिए, ये जो है इसमें कहीं ना कहीं मिक्सअप हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मेरे हिसाब से जो ये शुरू में स्टार्ट हुआ केस वो तो सिर्फ ये था कि सेबी को ज्यूरिसडिक्शन है कि नहीं है इस मामले में, सेबी इसको रेगुलेट करेगा कि नहीं करेगा या आरओसी रेगुलेट करेगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में निवेशकों की बात कहीं भी नहीं आती है, कहीं भी निवेशकों को सुना नहीं गया है, कोई नोटिस नहीं दी गई, क्योंकि जो उनका प्रॉब्लम है वो अलग किस्म का प्रॉब्लम है। अब उसमें भी दो बातें आती हैं, एक तो क्वेश्चन है कि निवेशक है या है ही नहीं, बिल्कुल ये पैसा ही किसी और का है। अगर ये पैसा किसी और का है तो फिर कानून अलग होता है, फिर सेबी का कानून नहीं अप्लाई करेगा उस पर, फिर तो कानून अप्लाई करेगा या तो सफेमा अप्लाई करेगा या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अप्लाई करेगा। अगर निवेशकों का पैसा है तो निवेशकों को सुनना चाहिए था ना, उनकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो वहां मुंबई जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, उनके पास अगर छोटे डिपॉजिटर है तो उनके पास अगर मान लो किसी ने 5,000 डिपॉजिट किया है, आज ब्याज मिला करके 7,000-8,000 रुपया है, 8,000 रुपया लेने के लिए क्या निवेशक बॉम्बे जा पाएगा? आना जाना उसका खर्चा और वहां रहना सब लेकर के, तो निवेशक को सुनना चाहिए था। मतलब मैं कहता हूं आप अगर डिसाइड कर रहे हैं निवेशकों के तरफ से कि जो इन्वेस्टर के तरफ से, तो इन्वेस्टर को सुनिए, उनकी प्रॉब्लम सुनिए। अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि इन्वेस्टर का पैसा है ही नहीं, ये पैसा किसी और का है, तो वो केस नहीं था सुप्रीम कोर्ट के सामने। अगर वो केस होता तो उसके लिए कानून अलग होना चाहिए था, इस कानून के तहत नहीं होना चाहिए। तो सवाल यही है अब ज्ञानन साहब, अगर ये ज्यूरिसडिक्शन का मामला था तो ये दूसरी दिशाओं में कैसे बढ़ता चला गया, फिर ये कैसे ये रीपेमेंट की तरफ चला गया? और दूसरे ये भी कि क्या ये रीपेमेंट का मसला है या फिर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट का मसला है? देखिए आप सही कह रहे हैं, यह मामला शुरू तो ज्यूरिसडिक्शन से हुआ था पर इसमें सुप्रीम कोर्ट